नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे, सी प्रोग्रामिंग की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। हमने चार टाइप्स की वैल्यूज के बारे में चर्चा की, करेक्टर्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और स्ट्रिंग। लेकिन वेरिएबल्स केवल तीन प्रकार के होते हैं, करेक्टर, इंटीजर और डबल। अभी तक हमने ऐसे किसी भी तरीके के बारे में बात नहीं की जिसके द्वारा हम किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर कर पाएं या स्ट्रिंग्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएं। यह लेक्चर में हम देखेंगे कि सी में किस प्रकार हम स्ट्रिंग को एरे ऑफ करेक्टर्स में स्टोर करते हैं। एरे में हम करेक्टर्स को /0 से टर्मिनेट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एरे पर ऑपरेशंस को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिनिमल सपोर्ट उपलब्ध कराता है और हमें इसके लिए स्वयं द्वारा एक्स्ट्रा फंक्शंस प्रोग्राम करने पड़े। फॉर्चुनेटली चीजें थोड़ी आसान होती हैं जब हम इन स्पेशल टाइप्स ऑफ एरे जिन्हें हम स्ट्रिंग्स कहते हैं को मैनिपुलेट करते हैं। string.h में ऐसे कई लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो प्योर एरे पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की तुलना में स्ट्रिंग ऑपरेशंस को थोड़ा आसान बनाते हैं। फिर भी सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग ऑपरेशन अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में बहुत अधिक बोझिल है और अगर इन पर ठीक से ध्यान ना दिया जाए तो ये आपके प्रोग्राम में एरर्स का एक पोटेंशियल सोर्स भी बन सकती है। आप कुछ इस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल्स को एरे ऑफ करेक्टर्स की तरह क्रिएट कर सकते हैं। इस कोड की पहली लाइन में एक स्ट्रिंग को क्रिएट किया गया है और उसे स्ट्रिंग वैल्यू हेलो असाइन की गई है। दूसरी लाइन में हमने एक दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है। याद रखें, कंबाइंड डिक्लेरेशन और असाइनमेंट को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। केवल इनिशियलाइजेशन के समय ही आप किसी स्ट्रिंग को डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को आप स्ट्रिंग कांस्टेंट जो कि कोटेशन मार्क के अंदर एनक्लोज होते हैं के रूप में पास कर सकते हैं। क्या आपने एरे और स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के तरीके में जो डिफरेंस है उसे नोटिस किया? यदि आप चाहें तो आप स्ट्रिंग को नॉर्मल एरे सिंटेक्स का इस्तेमाल करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा अजीब लगता है और टाइप करने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है। डिक्लेरेशन के समय जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो तो उस समय आपको एरे साइज को डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपाइलर आपके द्वारा सप्लाइड स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए स्वयं ही एरे साइज को कंप्यूट कर लेता है। हमेशा याद रखें, एरे डिक्लेरेशन में स्ट्रिंग वेरिएबल को /0 से टर्मिनेट किया जाता है। आमतौर पर आपको इस टर्मिनेशन करेक्टर को सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। कंपाइलर हमारे कोड को समझता है और इसे ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है। हालांकि ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने अपने स्ट्रिंग को बिल्कुल एक एरे की तरह ट्रीट किया है और इस केस में हमें स्वयं टर्मिनेशन करेक्टर इंसर्ट करना होगा। जब हम अपने प्रोग्राम में विभिन्न स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल का उपयोग कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि एरे का साइज कम से कम इतना बड़ा डिक्लेयर किया गया हो कि हमने जो करेक्टर्स का लार्जेस्ट सीक्वेंस इसमें स्टोर करना है वो इसमें समा सके। यह भी ध्यान रखना होगा कि एरे का साइज करेक्टर के सीक्वेंस के साइज से एक ज्यादा हो ताकि हम टर्मिनेशन करेक्टर को भी स्टोर कर सके। हम प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग करके स्ट्रिंग को सामान्य तरीके से आउटपुट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे करेक्टर्स के सीक्वेंस या स्ट्रिंग से बने होते हैं। एक स्ट्रिंग पर हम जो पहला ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग के किसी एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना। सी इस ऑपरेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में एक इंडेक्स का उपयोग करता है। एक्सप्रेशन फ्रूट वन
इंडिकेट करता है कि मुझे फ्रूट नाम के स्ट्रिंग के करेक्टर नंबर 1 चाहिए। रिजल्ट लेटर टाइप के करेक्टर में स्टोर किया जाता है। इसका आउटपुट लेटर ए है, जो कि बनाना के स्ट्रिंग का पहला करेक्टर नहीं है, क्योंकि पहला करेक्टर है बी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, इसलिए अगर आपको स्ट्रिंग का पहला करेक्टर आउटपुट करना है तो कोड कुछ इस प्रकार लिखना होगा। यहां पे आपको इंडेक्स वैल्यू 0 स्पेसिफाई करनी होगी। किसी स्ट्रिंग की लेंथ अर्थात इस स्ट्रिंग में करेक्टर्स की संख्या को जानने के लिए हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह फंक्शन को स्ट्रिंग वैल्यूज एज एन आर्गुमेंट की तरह पास करके कॉल किया जा सकता है। इस केस में स्ट्रिंग लेंथ की रिटर्न वैल्यू 6 है। हम इस वैल्यू को आगे उपयोग के लिए इंटीजर लेंथ को असाइन कर सकते हैं। इस कोड को कंपाइल करने के लिए आपको string.h लाइब्रेरी को हेडर फाइल में इंक्लूड करना होगा। यह लाइब्रेरी स्ट्रिंग्स पर ऑपरेशन के लिए कई उपयोगी फंक्शंस प्रदान करती है। आपको इन फंक्शंस से खुद को परिचित कराना चाहिए, क्योंकि वे आपकी प्रोग्रामिंग समस्याओं को तेजी से हल करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग के लास्ट लेटर को खोजने के लिए आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। यह कोड काम नहीं करेगा। कारण यह है कि हमने फ्रूट नाम का एरे डिफाइन किया है। एरे की इंडेक्स 6 में बनाना स्ट्रिंग का कोई भी लेटर नहीं है। क्योंकि एरे में इंडेक्स की वैल्यू 0 से शुरू होती है, इसलिए 6 करेक्टर्स को 0 से 5 तक गिना जाएगा। लास्ट करेक्टर को प्राप्त करने के लिए आपको एरे की लेंथ से 1 को घटाना होगा। एक स्ट्रिंग के साथ किए जाने वाले सामान्य ऑपरेशंस कुछ इस प्रकार हैं। आप स्ट्रिंग के पहले करेक्टर से शुरू करते हैं, बारी बारी से स्ट्रिंग के प्रत्येक करेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ऐसा स्ट्रिंग के लास्ट करेक्टर तक पहुंचने तक करते रहते हैं। प्रोसेसिंग के इस पैटर्न को ट्रैवर्सल कहा जाता है। व्हाइल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप स्ट्रिंग ट्रैवर्सल का कोड कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यह लूप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करता है और उसके प्रत्येक लेटर को अपने आप एक लाइन में आउटपुट करता है। इस कोड के कंडीशनल स्टेटमेंट पर ध्यान दें, जिसका अर्थ है कि जब इंडेक्स की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप के बॉडी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लास्ट करेक्टर जिसे हम एक्सेस करते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू स्ट्रिंग लेंथ फ्रूट माइनस 1 है। लूप वेरिएबल का नाम इंडेक्स है। इंडेक्स एक वेरिएबल या वैल्यू है जिसका उपयोग किसी ऑर्डर्ड सेट के एक मेंबर को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, जो कि इस केस में स्ट्रिंग के सेट ऑफ करेक्टर्स है। इंडेक्स इंडिकेट करता है कि आप कौन सा करेक्टर चूज करना चाहते हैं। सेट का ऑर्डर्ड होना जरूरी है ताकि प्रत्येक लेटर का एक इंडेक्स हो और प्रत्येक इंडेक्स सिंगल करेक्टर को रिफर करता हो। यदि हम किसी स्ट्रिंग में एक लेटर की तलाश कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग के थ्रू सर्च करना होगा और उस पोजीशन का पता लगाना होगा जहां ये लेटर स्ट्रिंग में मौजूद है। इसका इंप्लीमेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। इस फंक्शन के पहले आर्गुमेंट के रूप में स्ट्रिंग को पास किया गया है, दूसरे आर्गुमेंट के रूप में उस करेक्टर को पास किया गया है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। यह फंक्शन इंडेक्स की वो वैल्यू रिटर्न करता है जहां पर स्ट्रिंग में वह करेक्टर पहली बार आया हो। अगर वह करेक्टर स्ट्रिंग में नहीं आया है तो फंक्शन माइनस 1 रिटर्न करता है। इस लेक्चर में हमने स्ट्रिंग के बारे में जाना और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटर्स की। धन्यवाद।